सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एक अंदर से मोटिवेशन और एक एनर्जेटिक फील होने वाला है कि हाँ, मुझे अगर बीटेक कर रहा हूँ तो कैसे पढ़ना है। जी हाँ गाइज, मैंने जो एक्सपीरियंस कराया ना, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं 110% कहता हूँ कि अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो जो लोग यहाँ पर 9-9 घंटे स्टडी करते हैं ना भाई, रियलिटी बता रहा हूँ कि 9 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर कंसंट्रेशन, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर तरीका से पढ़ा जाए तो आप चाहे 3 घंटे भी पढ़ते हो तो आप 9 घंटे पढ़ने वाले के एकदम बराबरी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पूरा स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा नाम है पंकज कुमार, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उनको जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको हर एक अपडेट जो कि इससे रिलेटेड हो सकती है, जो बीटेक कर रहे हो उससे रिलेटेड हो सकती है, हर एक चीज को यहां पर डील करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, ये देख सकते हो कि वे ऑफ स्टडी इन द बीटेक, मतलब आप बीटेक कर रहे हो, आप बीटेक करने वाले हो या बीटेक कर रहे हो, तो भाई आपको सतर्क हो जाना है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, बहुत लोगों को ईयरबैक लगते हैं, बहुत लोगों को कैरे लगते हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आती है। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से शेयर कर दो भाई, जिसके पास शेयर करना, एकदम पूरा फुल मोटिवेशन देने वाला हूँ, पूरा शेयर कर दो। देखो, सबसे पहले बता दो कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो भाई। ये भूल क्यों रहे हो कि आप बीटेक कर रहे हो। बीटेक में सबसे पहला चीज़ आपको, जो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग गलती करते हो, आप लोग पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, आप लोग पास पूरा स्ट्रेटेजी नहीं होती है, वो गलती करते हो। दूसरा, पढ़ने का क्या तरीका है, क्या तरीका है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये तरीका आप लोग भूल जाते हो। तो वो सब चीज़ आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका और आपका क्या हो सकता है। देखिए, स्टडी आप करने जा रहे हो ना, आप बीटेक कर रहे हो ना, आप कोई कॉलेज लाइफ में जी रहे हो ना, आप यहाँ पे 10th में नहीं पढ़ रहे हो, 9th में नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले क्लास में, दूसरे क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि आप यहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें चली आ रही हो उसको कर रहे हो। आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपना डिफाइन करना होगा, पूरे पूरा प्लानिंग बताना होगा कि मैं बीटेक करने वाला हूँ। बीटेक का कोर्स कितना साल का है, आप देखोगे तो 4 साल का है अगर रेगुलर से करते हो तो, और 3 साल का है यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से करते हो तो। तो भाई 3 साल हो गया या 4 साल हो गया, 3 साल 4 साल आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है जो कि आप करने वाले हो। पूरा लाइफ का सोच के देखो, 3 साल या 4 साल आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर एक जगह, पर्टिकुलर एक कॉलेज में दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, बहुत बड़ा फैक्टर करती है। आप पूरे लाइफ को जीने वाले हो, वो 3 से 4 साल आपको डिसाइड करने वाला है कि आप आगे चल के कितना बड़ा आदमी बनोगे, आगे चल के आप क्या करने वाले हो। तो वो पूरा 3 साल को आप पूरा एकदम अच्छे से लिख के रख लो कि आपको पूरे प्लानिंग के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आया बीटेक, अच्छा बीटेक करना है, चलो कर लेते हैं, सब कोई चाह रहा है मैं ही कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा भाई। सब कोई जो भी कर रहा है उससे आपको डिफरेंट करना होगा, लेकिन डिफरेंट कैसे करोगे, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहता है, एक स्टडीज होना चाहता है। तो वो स्टडीज आप सबसे पहले आपको स्टडी का स्टडीज बनाते हो, क्योंकि आप आए हो यहाँ पे पढ़ने, पढ़ने आए हो तो आपके पास स्टडीज क्लियर होना चाहिए। देखिए, स्टडीज को मैंने यहाँ पे 2 तरीके से डिफाइन कर दिया, जो ये स्टडी है उसको 2 पर डिफाइन कर दिया। एक आपको स्मार्ट वर्क करनी है, दूसरे साइड आपको फिजिकली करना है। फिजिकली दैट मीन, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क में क्या करना है, देखिए स्मार्ट वर्क में आपको प्लानिंग करना है कि हमको इस सेमेस्टर में या इस ईयर में या इस पर्टिकुलर बीटेक के ड्यूरेशन में मुझे क्या क्या करनी है, वो प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं भाई बहुत तेजी निकल जाते हैं आगे, और कम टाइम में अच्छे जगह पे पहुंच जाते हैं, कम टाइम में अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं, कम टाइम में अच्छे अचीवमेंट लेके आते हैं भाई। अच्छे अच्छे अचीवमेंट मैंने देखे जो बीटेक करके लोग कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है कि आपका स्मार्ट वर्क करना है, मतलब प्लानिंग प्रॉपर करना है कि मुझे इस सेमेस्टर में पर्टिकुलर क्या करना है, मुझे इस ईयर में पर्टिकुलर क्या करना है, मुझे 3 साल के बीटेक में क्या क्या करनी है, पूरा प्लानिंग कर लो भाई 3 साल का। अभी 2024 भी आ चुका है भाई, सबसे बेहतरीन तरीका है कि 2024 को आप अच्छे से इतना स्मूथ बना दो कि आप एकदम लाइफ के जब 3 साल या 4 साल बीटेक कंप्लीट करके निकलो तो आपको लगे कि हाँ, हमने बीटेक किया हुआ है, हमने गर्व से कह सकता हूँ कि हमने बीटेक किया है। और बीटेक लेवल के जो अंडरस्टैंडिंग, जो लेवल ऑफ थिंकिंग और जो मैच्योरिटी होना चाहिए था, वो जरूरी है आपके अंदर। क्योंकि बहुत लोग बीटेक कर लेते हैं बट उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं, उनके पास कंसेप्ट नहीं, उनके पास अपना पढ़ा हुआ पेपर सब याद नहीं है, उनको पढ़ा हुआ कंसेप्ट नहीं पता है, उनको पूरा जीवन को जो 3 साल 4 साल दिया है किसी पर्टिकुलर जगह पे, उनके बारे में भी अच्छे से पता नहीं है भाई। तो ये चीज़ क्यों कर रहे हो आप, फिर फायदा नहीं है बीटेक करने के बाद, कुछ थोड़ा अलग करना होगा। तो मैंने आपको स्टडी को कह रहा हूँ कि मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूँ। एक पहला आपका स्मार्ट वर्क चलेगा, जिसमें हम पूरा प्लानिंग करेंगे क्या करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। एक दूसरा हम फिजिकली यहाँ पे, फिजिकली मेरा मतलब क्या है कि देखो, आप क्या है ना कि आप यहाँ पे एक अपने शरीर को देखो, आपका थोड़ा सा मतलब बायोलॉजिकली सोच के देखो तो जो आपका शरीर है वो भी एक जस्ट लाइक का मशीन की तरह काम कर रहा है, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी कुछ थोड़ा मस्ती चाहिए। तो मस्ती करने के लिए आप यहाँ पे
स्पोर्ट वगैरह खेल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ अभी। तो आपको फिजिकली माइंड का जो प्रेशर है ना भाई, उसको भी आपको रेसिस्ट करना है, फिजिकल वर्क भी करना है, एक्सरसाइज टाइप का कुछ करना है, कुछ बैट बॉल खेलना है, ऐसा नहीं है कि सारा दिन खेलना है, लेकिन एक पूरा प्लानिंग रहेगा ना कि हाँ मुझे कब खेलना है, कब नहीं खेलना है, कैसे खेलना है, कितना देर खेलना है, तो बहुत मजा आने का। तो 3 साल जो 4 साल निकालना है मैंने, वो पूरा प्लानिंग के साथ अब निकालो पहली बार। तो ये मैंने प्लानिंग बता दी आपको, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको फिजिकल वर्क भी ध्यान देना है, स्पोर्ट भी खेलना है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन की तरह लगे हूँ, पढ़े जा रहा हूँ भाई 10-10 घंटे पढ़ लोगे, 9-9 घंटे, देखो भाई 9 घंटे भी आप पढ़ लोगे, 3 घंटे पढ़ के बराबरी कर सकते हो भाई अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो। कैसे करोगे आइए जरा इसके आगे कि हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लानिंग में आपको क्या करना है, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लानिंग में आपको सबसे पहला प्लानिंग क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले आपको प्लानिंग ये होना चाहिए था कि मैं आया हूँ यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं जो बीटेक कर रहा हूँ उसको 3 साल 4 साल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, पहला मोटिव आपका क्लियर हो जाता है। वो मोटिव क्या है कि आपको स्टडी करना है। तो स्टडी कैसे करना है भाई, देखो आपको डेली पढ़ना है, क्या करना है बाबा, आपको डेली पढ़ना है और डेली विथ फोकस पढ़ना है। कुछ लोग ना 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 9-9 घंटे यहाँ पर 10-10 घंटे पढ़ते हैं, बट पढ़ते तो हैं बट रिजल्ट क्या निकलता है, बहुत कम निकलता है। मतलब कि आप जितना एफर्ट डालते हो उसके आधे से आधे भी रिजल्ट निकालता है। क्यों पता है, क्योंकि आप ये चीज़ फोकस मिस कर देते हो, ये जो फोकस है ना ये मिस कर देते हो। आप 10 घंटे पन्ने पलट रहे हो, बस 10 घंटा देख ही रहे हो, 10 घंटा पढ़ो, आपके पास मोबाइल का नोटिफिकेशन है आपने खोल दिया, आपका मैसेज आपने खोल दिया, आपने इंस्टा खोल दिया, आपने फेसबुक खोल दिया, किसी का मैसेज आया वो देखिए, ग्रुप में मैसेज आया देखते जाओ भाई। फोकस बनाओ, सबसे पहला जरूरी है कि आप फोकस बनाओ, जो भी चीज़ करो फोकस के साथ करोगे तो जो 9 घंटे आप पढ़ करके करते हो ना, वो 3 घंटा भी आप एटलीस्ट यहाँ पे फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तो लिख के देता हूँ कि आप जो डेली पढ़ोगे स्टडी विद द फोकस करोगे तो 3 घंटे भी आपके लिए बहुत बड़े इफेक्ट डालने के बराबर हो जाएगा। जो लोग 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं उसके जस्ट बराबर आपका ये 3 घंटा हो जाएगा। और आप फोकस के साथ पढ़ोगे, प्रॉपर डेली के डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी जिसको बोल सकते हो आप लोग, एकदम डेली पढ़ना है आपको, 3 घंटे ही पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, डेली पढ़ना है। तो ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टडी करना है। चैप्टर वाइज मेरा मतलब क्या है, कुछ लोग ना एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर को पढ़े, दूसरा चैप्टर को छोड़ दिए, तीसरा चैप्टर समझ नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, चौथा चैप्टर समझ में छोड़ दो भाई, ये नहीं समझ आ रहा भी छोड़ दो, चैप्टर खत्म। अरे भाई ऐसा नहीं होता पढ़ाई, चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ो, नहीं आ रहा है नेट से देखो, टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, अपने जो लोग आसपास के लोग हैं, जो लोग से लगता है कि ये मेरी मदद कर सकता है उससे पूछो भाई, इतना लाइफ आसान नहीं होता है। आप जो लग रहा है ना कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता भाई, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर पे फोकस करो, हर एक चैप्टर आपको सिलेबस में जो लिखा गया ना वो इसलिए लिखा गया कि उस चैप्टर से आप लोग सीख सको, और उस चैप्टर को आप स्किप मार दे रहे हो, उस चैप्टर को नहीं पढ़ो तो भाई कोई फायदा नहीं है पढ़ने का ना। तो चैप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है, हर एक चैप्टर का अपना अपना खासियत होता है, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया रहता है जो डिफरेंट अलग अलग चैप्टर से अलग होते हैं, तो वो सारे के सारे नॉलेज आपको तब मिलेगा जब पूरा चैप्टर को पढ़ोगे। आप सोच के देखो ना, ऐसे आपको चलना है किसी पैदान पे, एक पैदान पे चढ़े, दूसरे को छोड़कर तीसरे पे छलांग लगा दे भाई, दूसरे को तो पता ही नहीं चला ना, तो तीसरे चौथे पे जाओगे तो हो सकता है नीचे गिर जाओगे। तो वो चीज़ आपको तब हो पाएगा जब आप क्या करोगे, यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ोगे। तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, नहीं आता भाई आसपास के लोगों से पूछो, टीचर से, सीनियर से, जो आपके आसपास लोग हैं, जिन जो आपको लगता है कि हेल्प कर सकते हैं भाई पूछो, जो लोग वहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, सारे लोग तो बीटेक में पढ़ ही तो जाते भाई, वहाँ पे पूरे मिलाकर के देखो तो एक कॉलेज में तकरीबन आप देखोगे तो 700-800 के स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे, 1000 स्टूडेंट में ऐसा थोड़े कि किसी को नहीं आता होगा, आता तो होगा ना भाई, फैकल्टी वैकल्टी को मिला दोगे तो 50 लोग और बढ़ जाएंगे, तो तकरीबन 1000 के स्टूडेंट आसपास वहाँ पढ़ते हैं। तो 1000 में से क्या किसी को आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आएगा, थोड़े होता है, आएगा सबको आएगा, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, जो भी दिक्कत हो रहा है ना आप नहीं आए तो फिर मेरे से पूछो भाई, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया अपने सोशल मीडिया का, वहाँ पे जाकर फॉलो करो, मेरे से पूछ सकते हो भाई, जो मेरे को आएगा मैं बताऊँगा, नहीं आएगा मैं भी सीख के बताऊँगा, लेकिन बता जरूर सकता हूँ, आप पूछ के तो देखो मेरे से। तो पहली बात है कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टडी करना है, एंड दूसरे वाइज यहाँ पे सिलेबस वाइज स्टडी करना है। सिलेबस वाइज का मतलब क्या है कि देखो कभी कभी होता क्या है कि आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को आप ध्यान में नहीं रखते हो और अपना पढ़ाई चालू करते हो, तो सिलेबस जो ध्यान में रख करके पढ़ाई करते हैं उनको ही समझ आता है कि हाँ इस सिलेबस में ये चीज़ था मैंने पढ़ लिया है। अब देखो ऐसा है ना कि एक दिन में और एक सेमेस्टर में सब चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हो, तो आपको हर एक सेमेस्टर में अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, अलग अलग सिलेबस मिलेंगे, तो हर एक सिलेबस को हमेशा 6-6 मंथ पे यानी हर सेमेस्टर में अपडेट किया जाता है, तो वो जो अपडेशन है ना वो हर एक सेमेस्टर में आपको देखने मिलता है, हर एक सिलेबस को हर एक सेमेस्टर में उसको फिनिश करो, मतलब जो सिलेबस है उस सिलेबस को उसी सेमेस्टर में आपको खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इस सेमेस्टर में नहीं हो पाया तो अगले सेमेस्टर में इससे देख लेंगे, जब एग्जाम आएगा तो इसको देख लेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको सिलेबस जो है ना उस सिलेबस को उस सेमेस्टर में एटलीस्ट निपटा देना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट
लोग आपके इस सिलेबस को इसी चैप्टर इसी सेमेस्टर में निपटा दोगे तो वो अगले सेमेस्टर में आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, कि उससे जो कंसेप्ट रहेंगे वो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे कि अगले सेमेस्टर के कंसेप्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पर सिलेबस वाइज के बाद सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दो सब्जेक्ट भारी भारी लगता है या एक दो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, ठीक ना। बहुत लोग ऐसा होता होगा कि एक दो सब्जेक्ट किसी को पूरा बोरिंग लगता है, मतलब समझ में नहीं आता वो चैप्टर में क्या चल रहा है, वो जो पूरा जो आपके पास ये पूरा सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट ही पूरा बकवास लगता है, तो कुछ लोग उस सब्जेक्ट को ही छोड़ते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहता। देखो उस सब्जेक्ट का भी अपना इंपॉर्टेंट है ना, उसका एक अपना खासियत है ना। हाँ उससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो उससे रिलेट करके पढ़ो, ठीक ना, उससे आप समझ के पढ़ो। नहीं आता तो फिर किससे पूछ के करो, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ पूरा सब्जेक्ट को आपको जरूर कवर करना है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है एंड डेली पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, ये प्लानिंग होना चाहता है। एंड इसके सिवा आपका प्लानिंग ये भी होना चाहता है कि आपको स्किल वाइज स्टडी करना चाहता है। स्किल वाइज दैट मीन कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ हमेशा देखो तो सिलेबस के लास्ट में देखना आपको लिखा रहता है कि इस सेमेस्टर में ये स्किल सीखना चाहिए था। वो आप सिलेबस टर्न ओवर करके देखना, वहाँ पर लिखा रहता है कि इस सिलेबस में ये चीज़ एक्स्ट्रा सर्कुलम है जो कि बच्चों को सिखाया जाएगा तो वो स्किलफुल रहेगा, वो कंपनी में किसी इंडस्ट्री में या अपने लाइफ में उससे वैल्यू ऐड करते हैं। तो वो स्किल को भी पकड़ के रखना, उस स्किल को भी आपको ग्रैब करना, उस स्किल पर भी आपका काम करना है, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रहे कि स्किल जो है ना प्रत्येक सेमेस्टर में एक प्लानिंग बनाओ कि इस सेमेस्टर में हूँ तो इस सेमेस्टर में ये स्किल सीख लेना है। जैसे कि मैं थर्ड सेमेस्टर में था तो मैंने ऑटोकैड सीखा था, फोर्थ में गया तो मैंने रैपिड सीखा था, फिफ्थ में गया तो मेरे को कुछ और जो स्किल अच्छा लगा वो सीखा था, मैंने कंटेंट राइटिंग सीखा, मैंने थोड़ा सा ग्राफिक्स सीखा। ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो, ये स्किल है जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपके हर एक टाइम पे इसका यूज होने वाला रहेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ आपको सीखने मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है, तो वो स्किल आपको मिस नहीं करना। प्रत्येक सेमेस्टर में एक प्लानिंग करो कि इस सेमेस्टर में ये स्किल सीख के जाना है, वो स्किल आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जब अपने लाइफ में आप जब अपने जीवन को पूरा जियोगे तो उसमें आपको ये स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला रहेगा। तो हर एक टाइम पे हर एक सेमेस्टर में प्लानिंग करो कि हमको स्किल वाइज भी स्टडी करना है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट वेटेज वाइज, ठीक ना, देखो सब्जेक्ट वाइज जैसे किसी सब्जेक्ट का देखोगे तो 50% वेटेज रहता है। 50% मतलब कि पूरा सेमेस्टर जो है ना, पूरा सेमेस्टर में देखोगे तो किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ उसके जो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर फोकस करना है। जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक ना, तो बीटेक में देखोगे तो सॉयल का आप लोग यहाँ पर नाम सुनोगे, अगर सिविल ब्रांच हो तो सॉयल का नाम सुनोगे, तो सॉयल का पार्ट वन भी है पार्ट टू भी है, मतलब कि वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू भी पढ़ना है, तो ये इसका वेटेज ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके पूरे सेमेस्टर के लिए। तो वो सेमेस्टर में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उस पर भी ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दे, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दे, ऐसा तो नहीं करना, लेकिन जो वेटेज इसका ज़्यादा है उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एंड इसके सिवा देखिए पी वाई क्यू, ठीक ना, पी वाई क्यू बेस्ट मतलब क्या है कि आपको सेमेस्टर में पास करना है, ठीक ना, आपको आगे चल करके फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है, तो कॉम्पिटेटिव वाइज भी आपको पढ़ना है और जो सिलेबस में लिखा गया वो तो पढ़ना है, साथ साथ पी वाई क्यू किस सिलेबस से पूछा जा रहा है, कौन से सिलेबस के कौन से भाग से ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन, उसका भी एनालिसिस करके आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर पी वाई क्यू अप्रोच भी अप्लाई करना है। एंड देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर प्रैक्टिकली कंसेप्चुलाइज पढ़ना है, ठीक ना, मतलब देखिए जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आपको खुद से रिलेट करना है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के मेरे को क्या मिलेगा, इसको पढ़ने से आगे का चैप्टर कौन सा इजी हो जाएगा, इसको पढ़ के मेरे को डेली लाइफ में इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे है, डेली लाइफ से इसको कैसे कनेक्ट करना है, वो प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, कोई नहीं बताने वाला, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली जो है ना कंसेप्चुअल आपको क्लियर होना चाहता, क्योंकि अगर ये चीज़ कर लिया ना तो भाई कसम में बता रहा हूँ कि ये चीज़ करने के बाद है ना आपको माइंड में एक आइडिया लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने क्यों पढ़ा, और इससे कनेक्ट करते हो ना तो वो जो चीज़ है ना जो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, और हो सकता है डेली लाइफ के प्रॉब्लम में उसका यूज करके आप कुछ नया कर लोगे जो कि अभी तक कोई नहीं किया होगा। तो ये कैसे हो सकता है, ये जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे सोचोगे तब तो होगा ना। तो प्रैक्टिकली भी अपने आप को जो भी चीज़ पढ़ो उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिकली भी आप चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करके सोचना है। एंड देखो यहाँ पे फिजिकली मैंने लिखा, फिजिकली का मेरा मकसद ये था कि आप देखो आप बर्न बहुत ज़्यादा है, इतना सब चीज़ पढ़ोगे इतना प्लानिंग करोगे बहुत सारी चीज़ करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर ऐसा नहीं है तो कि हमेशा मशीन इसको काम करते रहें, इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, इसको भी थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक होने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह चाहिए। तो देखो आप लोग अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो कि डेली एक्सरसाइज वगैरह आप लोग कर सकते हो, ठीक ना, डेली एक्सरसाइज करने से माइंड का रिफ्रेशमेंट रहेगा, ठीक ना, एक एनर्जेटिक रहोगे, जो एक चाहिए हमको एनर्जी अंदर से पढ़ने के लिए वो एनर्जेटिक आपको मिल सकेगा, तो वो एनर्जी आपको तभी आ पाएगी जब डेली आप थोड़ा
आपका एक्सरसाइज करोगे, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर करना चाहिए था। एंड यहाँ पे देखो कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, एक्सपोर्ट का यहाँ पे जो स्पोर्ट वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। कॉलेज में हो ना आप, तो कॉलेज में आपको वहाँ पर डेली का आपको देखोगे तो क्रिकेट कोई खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है ना, कोई चेस खेल रहा है, कोई मतलब कुछ खेल रहा है, कुछ खेल रहा है। तो वहाँ पर डेली का जो एक्टिविटी है ना, उसके डेली की एक्टिविटी में आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे कि आपको मेंटली और फिजिकली यहाँ पर चीज़ों को स्ट्रांग बना सकते हो, माइंड है ना वो चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी स्पोर्ट पार्टिसिपेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहते हो तो। एंड देखो यहाँ पे कंपटीशन वाइज भी पढ़ना है, ठीक ना। कंपटीशन वाइज मेरा मतलब क्या, देखो कभी कभी कॉलेज में इवेंट होती है, जैसे कहीं टेक फेस्ट होते हैं, ठीक ना, या कोई आप मान सकते हो कि सेमिनार होता है, ठीक ना, तो इस तरह का जो चीज़ है तो उसमें भी आपको कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे एक पहली बात है कि आपका बेनिफिट मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरी बात है वहाँ पे जाते हो तो पर्टिकुलर जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो उससे हट के वहाँ पे बात की जाती है, उससे हट के वहाँ पे कंसेप्ट आती है। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो इन्वाइट किए जाते हैं कॉलेज के थ्रू, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ज्ञान और उनकी बातें सुन करके आप अपने से रिलेट कर सकते हो कि हाँ ऐसा भी करने से ये चीज़ हो सकता है, तो उसका भी फायदा होता है। तो ये आप जो भी कंपटीशन वगैरह चलती है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ये फिजिकली में जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। इसके सिवा मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिख रखे हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ मैंने नोट लिखे हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड करने का मतलब कि इसका आप लोग यूज़ करो, ये नहीं है मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं करो, करो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करो कि इससे हमको बच के रहना है, क्योंकि ये आजकल सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि अवॉइड सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप खोला, फेसबुक खोला, ठीक ना, इंस्टाग्राम खोला, भाई उस पर रील देखने लगे, एक घंटा का, दो दो घंटे का, पाँच पाँच घंटा हमने रील देख लिया, बट उससे हमको आउटपुट में जो मैंने दिया वो इनपुट में हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। भाई अगर एक घंटा दो घंटा रील देख रहे हो, सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे हो, सोशल मीडिया पर आप टाइम दे रहे हो, तो उससे आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो इसको क्या करना है, अवॉइड करना। भाई ये नोट में लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा सोच के चलना पड़ेगा कि इसको हमको कम से कम यूज करना चाहिए था, कम से कम हमको जितना काम पड़ा उतना ही चैटिंग वैटिंग करो, जितना जरूरत पड़ा उतना ही आप फोन का यूज करो, कम से कम इस सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण भी यही बना हुआ है, जो कि स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है आपके लिए वो मैंने अवॉइड सोशल मीडिया, आपको जितना कम है उतना करना चाहिए था। एंड दूसरा मोर फ्रेंडशिप। देखो फ्रेंडशिप भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लाइफ में कहाँ तक जा सकते हो, ये डिपेंड करती है आपके आसपास रहने वाले लोगों पे। तो आपके आसपास जो लोग हैं यानी कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत बड़ा जुड़ी है। तो आप फ्रेंड भी बनाओ तो एक तरीका से बनाओ, जो सोच समझ के बनाओ कि किससे फ्रेंडशिप करने पे कितना बेनिफिट है, किससे फ्रेंडशिप करने पे मैं डायरेक्शन में अपना सही डायरेक्शन में जाऊंगा, किसके फ्रेंडशिप करने के वास्ते गलत डायरेक्शन में जाऊंगा। क्योंकि अगर मान लो कि कुछ ऐसे दोस्त बन गए जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको वही बनाएंगे जो उनको पढ़ने से मतलब नहीं है। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी एक अच्छा तरीका होना चाहिए, जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए था, जो कि एक अच्छे घर से बिलोंग करना चाहता और एक अच्छे लेवल का और एक अच्छे नेचर का और एक अलग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टाइप का आपका फ्रेंडशिप होना चाहिए था, ठीक है। तो फ्रेंडशिप भी करो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करो, करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के देखो कि जिनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, जो आपसे थोड़ा सा ठीक ठाक है उन्हीं से दोस्ती करो। सबसे दोस्ती करने कोई मतलब नहीं होता है, और मैं सही बता रहा हूँ कि सबसे दोस्ती करके कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। रियलिटी यही है कि आप सबसे दोस्ती करो, काम कोई एक दो ही आने वाला है, ठीक ना, सबसे दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये भी चीज़ आपको सोच समझ के करना है। एंड तीसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कंपेयर टू द अदर, आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है कि वो इस तरीके से कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, ऐसे दूसरों से कंपेरिजन नहीं करना। आपको खुद पे फोकस बनाना है कि मेरे को क्या करना है, आपका विजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका गोल आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो मैंने बताने की कोशिश करा है, जो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी बीटेक तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, बट बीटेक में 9 घंटे 10 घंटे भी पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते, जो लोग 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी बहुत कुछ कर ले रहे हैं, तो वो चीज़ जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि 9 घंटे से जो पढ़ते हैं उसको आप 3 घंटे पढ़ सकते हो। जो मैंने पूरा तरीका बता दिया वो है वे ऑफ स्टडी इन बीटेक, जो मैंने बीटेक में ऑब्जर्व करा, जो मैंने खुद बीटेक में इस तरीके से अपना प्लानिंग बनाया था और इस तरीके से मैं स्टडी करता था, जिससे कि मैंने बेस्ट अपना मतलब 3 साल बिताया है और मज़ा आ गया मेरे को भी। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद से अपने भी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे, 2024 आ चुका है, 2024 में एक बेस्ट प्लानिंग अपना बनाओगे कि हाँ हमको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। बाकी 3 साल 4 साल का जो भी आपका बीटेक है उस पूरे टेन्योर को आप लोग डिफाइन करो कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है, पूरा प्लानिंग लिख के रखो और उसी के अनुसार आप फॉलो करो। रियली मी ट्रस्ट मी कि आप 3 साल 4 साल बाद एकदम अच्छे पोजीशन पे जाओगे और अच्छे तरीके से जॉब लोगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाओगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताना कैसा लगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को।